This is me, Rabia Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So finally, the most requested video is here. सब मुझसे कह रहे थे कि आपकी बर्थडे तो हो गई है, आपकी अनबॉक्सिंग वीडियो अब तक आई क्यों नहीं है। दो दिन से मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। मैंने सोचा था कि बर्थडे के अगले दिन ही अनबॉक्सिंग वीडियो बना लूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिम्मत जरा सी भी नहीं हुई और मैं बना ही नहीं सकी। दूसरे दिन भी यही हुआ, तबीयत बहुत खराब थी, बट आज मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आज तो अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी ही बनानी है। और मैं थोड़ा बेटर भी फील करने लगी थी, तो इसलिए हियर आई एम। आज मैं सारे गिफ्ट्स की करूंगी अनबॉक्सिंग। सबसे ज्यादा महीर हसन खान को लगी हुई थी कि आप ही प्लीज 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 गिफ्ट्स खोल लो, मुझे देखने हैं। चॉकलेट्स उनको नजर आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बास्केट्स भी बना के दिए हैं, तो वो चॉकलेट्स उनको नजर आ गई थी। उन्होंने कहा कि बस निकाल के दे दें, प्लीज अनबॉक्सिंग कर लें। चॉकलेट्स वो निकाल ही रहे थे, तो मैंने कहा प्लीज प्लीज कल तक रुक जाओ, मैं बस अनबॉक्सिंग वीडियो बना लूं, फिर खाते रहना, फिर कोई मसला नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते आज की गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग वीडियो। सो सारे गिफ्ट्स जो हैं मेरे इर्द गिर्द रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, तो जल्दी से एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले मेरे हाथ में आ जाता है ये वाला गिफ्ट, बहुत ही प्यारा सा, ये मुझे दिया था सबा और मास फ्रॉम एमएम नाम क्लोजेट। सो अब हम खोल के देखते हैं किसके अंदर क्या है। ओ माय गॉड, बैग है। सो जल्दी से देखते हैं कि कैसा बैग है। आप लोगों को पता है लड़कियों को तो बैग इतने पसंद होते हैं, इतने पसंद होते हैं कि बस। Wow, so pretty. Very nice. बहुत ही प्यारा बैग है, as you guys can see, ब्लू कलर का। सो ये तो बहुत ही जबरदस्त एडिशन हो गई है मेरी बैग्स कलेक्शन में। सो हियर इट इज, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, मम्मा बाबा जरी रुजैम। जरी का सरप्राइज तो आप लोगों ने देख ही लिया था, प्री बर्थडे सरप्राइज जिन्होंने दिया था, उसका ब्लॉग भी मैंने अपलोड किया था, तो जरी की तरफ से वो पूरा सरप्राइज था, जिससे मुझे सिल्वर बटन भी मिला था यूट्यूब की तरफ से। और खुर्रम हसन खान ने भी मुझे 5 मिलियन का सरप्राइज दिया था, उसकी बहुत ही क्यूट वीडियो आई है बहुत लेट, वरना मैं डेफिनेटली पोस्ट करती इंस्टा पर, बट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट्स में जाके। खैर अब हम करते हैं ओपन ये वाला। आयशा आपी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तो ये सारे जो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे रैप हुए हुए, ये सारे उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, तो उसमें से एक ये भी था। तो अब हम जल्दी से इसको खोलते हैं कि इसके अंदर क्या है। आज मैं अपने साथ सीजर लेके बैठी हूँ, क्योंकि हाथों से तो खुलता ही नहीं है मुझसे बिल्कुल भी, और आज मैं बहुत ही सलीके से अनबॉक्सिंग करूंगी। सलीके से मतलब सलीके से गाड़ी। ये था मेरा सलीका। आज मैंने बोला ना कि सलीके से अनबॉक्सिंग होगी, तो उसको बुरा लग गया कि सलीके से आप बेटा कर ही नहीं सकती हैं, तो अब वो सलीके से नहीं, फट गया है पूरा। खैर, ओ वाह, सो नाइस, कितनी प्यारी चीजें। वाओ, ये तो बिल्कुल ही न्यू कलर है, सी ग्रीन, मेरे पास तो कभी था भी नहीं वाला कलर। सो ये न्यू एडिशन हो गई है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आयशा की। बहुत प्यारी हील, अब देखो ये साइज आता भी है तो बहुत ही प्यारी है। अब हम आयशा आपी का ही दूसरा गिफ्ट खोलेंगे एक एक करके सबका, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ माय गॉड, ने सारे गिफ्ट्स। इसके अंदर बैग है, एक तो हर बर्थडे में बस इतने सारे बैग्स आते हैं कि बस। आप लोगों को याद होगा पिछली अनबॉक्सिंग, उसमें भी कितने सारे बैग आए थे। हेयर टेज, नाइस बैग, वेरी नाइस, ये भी बहुत प्यारा बैग है। अब इन्हीं का हम तीसरा गिफ्ट खोलेंगे। ओ गॉड, तो खत्म ही नहीं हो रहे। इसमें क्या है? इसमें बहुत ही प्यारा सा टॉप है गाइस, ब्यूटिफुल, बहुत प्यारा लग रहा है ये, वेरी नाइस, थैंक यू। अब हम इनका चौथा गिफ्ट खोलते हैं। आयशा भी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं, तुम खोल के बताना कि तुम्हें कैसे लगे। बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं भाई, ये तो समझो पूरी शॉपिंग हो गई है। एक ये गिफ्ट है, पूरी रैपिंग की हुई है प्रॉपर तरीके से। ओह, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, वाव, जंपसूट है ये, बहुत ही प्यारा सा। भाई मेरे पास इतने कपड़े ना गाइस, इतने कपड़े और कपड़े आ गए, क्या बात है, मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं खोलने जा रही हूँ फिफ्थ गिफ्ट, जो कि आयशा आपी की ही तरफ से, मतलब आयशा आपी और आयलमा दोनों की तरफ से, तब देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाओ, इसमें भी कुर्ती है, क्या बात है, कितना प्यारा कलर है, वाओ, सो नाइस।
ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा कलर लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच आयशा भी, इतने सारे गिफ्ट देने की जरूरत थी नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। ये मेरे पास है ईमान कलेक्शन, एक बहुत ही छोटी सी क्यूट सी फैन है, आई गेस उसका नाम भी ईमान ही है। उसने ये बहुत ही प्यारा सा बना के भेजा है। इसमें एक हुसैन और मेरी पिक्चर है, साथ में ही एक अकेले की पिक्चर है और बहुत सारी डेरी मिल्स हैं। महीर का बस चलता है, इसमें से खींच ही लेता, मैंने बहुत छुपा के रखा हुआ था। थैंक यू। अब बारी आती है नेक्स्ट गिफ्ट की। ये मुझे गिफ्ट किया मेरे सबसे छोटे वाले मामू ने, जबरदस्त सा परफ्यूम। परफ्यूम और बैग्स तो ऐसे हैं कि बर्थडेज में आते ही आते हैं गिफ्ट में, लोग ज्यादातर परफ्यूम और बैग्स ही प्रेफर करते हैं गिफ्ट करना। थैंक यू। ये मुझे गिफ्ट किया है जेजी ने, आई गेस नाम इस पर आई डोंट थिंक सो मेंशन है कि नहीं, मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जेजी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये भी जबरदस्त सा परफ्यूम है, इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी हुई हुई है। थैंक यू सो मच। मम्मा बाबा का गिफ्ट मैं आप लोगों को सबसे एंड में दिखाऊं क्योंकि वो बहुत स्पेशल गिफ्ट है। तो अब हम देखते हैं ये वाला गिफ्ट, ये माही ने दिया। माही तुमने अच्छा किया अपना नाम मेंशन किया, वरना किसी ने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा किसने क्या गिफ्ट दिया है। ये भी यकीनन बैग ही है, मैं बता रही हूँ, बैग। वाओ सो प्रिटी। वैसे सच बताऊं तो मुझे बैग्स का इतना क्रेज नहीं है, लेकिन ये वाले बहुत प्यारी, तो मैं डेफिनेटली लूंगी। थैंक यू सो मच माही। सो ये एक और परफ्यूम मुझे गिफ्ट किया है, बट इसमें नाम नहीं है, ब्लूम। और ये ब्लूम की मैं आप लोगों को कहानी बताती हूँ। मेरे पास परफ्यूम था ब्लूम, जो कि मुझे बहुत पसंद था, जो कि मैं ऑन एंड ऑफ लगाती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी ड्रेसिंग से कहाँ गायब हो गया, आई डोंट नो किधर गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पसंद था कि वापस मेरे पास न्यू फुल बॉटल आई है। ये जिसने भी दिया थैंक यू सो मच, इसमें नाम मेंशन नहीं है लेकिन थैंक यू। सो नेक्स्ट गिफ्ट है मेरे पास ये, जो कि मुझे हफ्सा ने दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये हफ्सा ने मेरे हाथ में पकड़ाया था और शहीन ने ये पकड़ाया था। हाँ, ईशा हफ्सा की तरफ से ये दोनों गिफ्ट हैं। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है, पर्पल कलर की कुर्ती नहीं है, गेस टू पीस सूट है। थैंक यू सो मच हफ्सा। और शहीन ने मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट किया है। वाओ वेरी नाइस, थैंक यू। ये मुझे बहुत अच्छे से याद था क्योंकि इन दोनों ने ही मेरे हाथ में पकड़ाया था, इन दोनों ने ही मेरे हाथ में ये दोनों गिफ्ट पकड़ाए थे, इसलिए मुझे नाम। सो अब बारी है बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट की, जो कि आया है काशी से, मतलब काशी असलम लेके आए थे मेरे लिए मेरा मोस्ट फेवरेट बॉम शेल कर्लर। ये मुझे इतना पसंद था, उनको ये बात पता थी, उन्होंने तभी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। साथ ही साथ ये चॉकलेट से भरी हुई बास्केट है, आप लोग देख सकते हो। सबसे ज्यादा कुछ गिर गया है गाइस, इग्नोर इट, इतने सारे गिफ्ट्स हैं, वो गिर गया बेचारा। सबसे ज्यादा नजर ही महीर हसन खान की इस बास्केट पे थी क्योंकि उसमें से चॉकलेट इतनी सारी नजर आ रही है। खैर, काशी हसन को मेरी फर्स्ट बर्थडे में आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त नहीं आ सके थे, इसलिए वो मेरी दूसरी बर्थडे में आए थे और उन्होंने मुझे ये सारे गिफ्ट दिए। सो थैंक यू सो मच। सो हम इस बास्केट को भी खोल लेते हैं। माहीर की नजरें यहीं पर हैं इस बास्केट पर। वैसे मेरा ये खोलने का दिल नहीं चाहता, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसमें प्रिंगल्स हैं, आपकी फेवरेट, और बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, डेरी मिल्क का पाउच है, हर्शीज हैं, मिनी ओरियो बिस्किट्स और साथ ही साथ किटकैट है। सो थैंक यू। बारी है एनएच के गिफ्ट की, नादिर हुसैन की गिफ्ट की इन्होंने मुझे। ओ वाओ वेरी नाइस, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है एनएच फ्रेग्रेंसेस की, मतलब नादिया हुसैन की फ्रेग्रेंसेस का परफ्यूम। हिमानी नाम है इसका, मैंने पहले कभी यूज नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है। इसकी फ्रेग्रेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी है, ठीक है? वेल सो एक्साइटेड टू यूज इट। एक ये गिफ्ट है, इसमें आई गेस प्रोडक्ट्स हैं, वेट लेट मी चेक। इसमें बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, कुछ क्रीम्स हैं। फ्रेग्रेंस कैसी है? वाओ वेरी नाइस, फ्रूटी फ्रेग्रेंस और बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। शीन का गिफ्ट आया है मुझे, इस पे भी नेम नहीं है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या है। हील्स, वाओ कितनी प्यारी है, थैंक यू सो मच। इस तरह की हील्स मैं कब से चाह रही थी और ये बहुत प्यारी है। थैंक यू सो 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 मच। और शीन का गिफ्ट है, ये मेरी किसी फैन गर्ल ने भेजा है, गैस उसका नाम है फातिमा। सो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके सो इसमें है नेल्स, स्टिकॉन्स हैं बहुत ही प्यारे से, एक ये पैकेट है,
एक ये पैकेट है, ट्रांसपेरेंट है, साथ ही साथ ये बैग है वाइट कलर का, ऑफ वाइट है आई गेस, हाँ ऑफ वाइट कलर का, और ये ड्रेस है, साथ ही साथ इसमें ग्लासेस भी है वाइट कलर का, मतलब पूरा पैकेज बना के इन्होंने दिया है, बैग, ड्रेस और ग्लासेस। ओके, सो जब मैं इसको पहनूंगी तब इसका एक्चुअल लुक पता चलेगा, लेकिन ये ड्रेस इस तरह का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, थैंक यू। तो ये तीन एनवलप्स बचे हैं मेरे पास, और मम्मा बाबा का स्पेशल गिफ्ट बचा है, साथ ही साथ ही मम्मा ने एक और गिफ्ट मुझे दिया है, तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये मैंने देखा नहीं है, जस्ट रख दिया था मम्मा ने लाके। ओ वाह, ये बैग है, वो भी डॉलर वाला, $100, मतलब 100, 100, 100, 300, 400 का ये बैग है, कितना क्यूट लग रहा है। इस तरह की चीजें मुझे बहुत पसंद है, लाइक कुछ क्रिएटिव हो उसके अंदर। बैग्स आप लोगों को पता है मेरे पास रेडियो वाला भी है, कैमरे वाला भी है, तो ये एक और न्यू एडिशन हो गई है मेरे पास, डॉलर बैग। और ये बहुत जबरदस्त है, मम्मा आपने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ये लेने की, थैंक यू सो मच, लव्ड इट। सोच रही हूँ कि एंड में हम देखेंगे कि एनवेलप्स में क्या है, ये थ्री एनवेलप्स हैं, कुछ लोगों ने मुझे एनवेलप्स भी दिए हैं, अब देखेंगे इसमें कितने पैसे हैं। और ये है गिफ्ट जो कि मुझे मम्मा बाबा ने दिया है, ये बहुत ही प्यारी सी रिंग है, और ये देख सकते हैं आप। वाह, बाबा मेरी बर्थडे में थे नहीं, लेकिन उन्होंने जो है वो गिफ्ट पहले से ही लेके रखा हुआ था, मम्मा बाबा ने दोनों ने, तो मम्मा ने ये मुझे दे दिया कि ये बाबा और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये चांदी की रिंग है, और ये इतनी हसीन लग रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच अम्मा बाबा। ये था मोस्ट स्पेशल गिफ्ट जो कि मैंने कहा था कि आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी, ये था वो गिफ्ट, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि अब एनवेलप्स की बारी है, 300 एनवेलप्स हैं, जरा थोड़ा कैमरा करीब आ जाए, फिर मैं देखूंगी इसके अंदर से कितने पैसे निकले हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नाम नहीं पढ़ूंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये खोलेंगे रेड वाला एनवेलप। वाओ, सबसे बड़ा नोट निकला इसमें से, 5000 का, जबरदस्त। अब देखते हैं दूसरा एनवेलप इसमें कितने हैं, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला था, एज इट इज रखवा दी थी मम्मा के बैग में कि मम्मा जब मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगी तब लोगों के सामने खोलूंगी। ये किसने एनवेलप दिया है, अब देखते हैं इसके अंदर कितने पैसे हैं। ओहो, 1, 2, 3, 3000, वाओ, 5 + 3 कितने हुए बताए ना, कितने हुए, अच्छा सॉरी आप लोग कैसे बताओगे मुझे, 8000 रुपए। अब देखते हैं लास्ट एनवेलप इसमें कितने पैसे हैं, 8000 तो ऐसे ही जमा होगा मेरे पास, इसमें कितने हैं, 1000, 2000, ओके सो 10000 जमा हुए हैं, और इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सारे कपड़े, इतने सारे बैग्स, इतने सारे परफ्यूम सब जमा हो गए, मतलब मेरी प्रॉपर शॉपिंग हो चुकी है, आगे मैं आराम से ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। ट्रैवलिंग, ये क्या बोल रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं आप लोग, बोल रहे होंगे किधर जा रही हैं, तो भाई वो भी आप लोग के लिए सरप्राइज ही होता है, ऐसे तो मैं आप लोगों को वैसे बता नहीं सकती, तो वो सरप्राइज व्लॉग ही होगा, पैकिंग वाला भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखें, वो भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आपकी रबिया काशिफ खान कहाँ जा रही हैं। तो ये थी मेरी गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो, बहुत सारे गिफ्ट्स जमा हो गए हैं, पैसे भी जमा हो गए हैं, अब ये पैसे मैं संभाल के रखूंगी। अच्छा आप लोग बड़े मजे की बात बताऊं, मम्मा बाबा या कोई भी मुझे पैसे देता है ना, वो मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, मेरे पास पिछली बर्थडे के भी पैसे जमा है, मैंने वो खर्च ही नहीं किए, पता नहीं क्यों, कंजूसी नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे प्यार, वो मेरे पास रखी हूँ मैं अपने पैसे खर्च करती हूँ, बाकी जो पैसे देते हैं वो मैं जमा करके रखती हूँ साइड पे, वो मेरे पास अभी तक जमा है, उसमें मैं ये वाले भी ऐड कर दूंगी तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जो जो मेरी बर्थडे में आया, जिन जिन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, सबने ही दिए हैं, जिन जिन नहीं सबने ही मुझे गिफ्ट दिए हैं, सो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सो ये हो गई अनबॉक्सिंग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग जरूर मुझे बताना कि आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट किसका लगा है, सबसे ज्यादा आप लोगों को कौन सा पसंद आया है, तो मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगी, और आप सबके गिफ्ट्स का भी वेट करूंगी, जो जो लोग कमेंट्स करेंगे ना आप लोगों ने मुझे गिफ्ट्स नहीं दिए हैं तो मुझे बता देना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी, मुझे गिफ्ट्स भिजवा देना। मैं मजाक करी थी, आप लोग दिल पे मत लेना। खैर ये जो मैं कॉट सेट पहनी हुई बहुत ही प्यारा सा मुझे मामा ने गिफ्ट किया है, तो खैर अब मैं करूंगी एंडिंग, जल्दी जाकर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट यूट्यूब व्लॉग में मुलाकात होगी, वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग,
Lots of love. Take care. Bye.